हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर क्षितिज गोस्वामी और आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल वेट मंत्रा में। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अब आरपीवीटी को कुछ एक दिन ही बाकी रह गए हैं और मेरे ख्याल से आज से लगभग 20 या फिर 21 दिन ही उसमें शेष रह गए हैं। तो उसके लिए मैं आप लोगों के लिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, यहाँ पर आरपीवीटी से रिलेटेड इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनको लेकर के आया हूँ और वो भी है बायोलॉजी के। बायोलॉजी के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स रहने वाले हैं 11th बायोलॉजी के, उनको मैं आज आपसे डिस्कस करूंगा और ये एनसीईआरटी बेस्ड होंगे। एनसीईआरटी में हम कौन कौन से जो टॉपिक्स हैं, जो हम यहाँ पर देखते हैं 22 चैप्टर्स हैं बायोलॉजी में, उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आइए वन बाय वन हम चैप्टर्स को देखते हैं। तो देखिए, आरपीवीटी 2022 का जो सिलेबस है बायोलॉजी के लिए, उसमें आप टोटल देखते हैं एनसीईआरटी में 22 चैप्टर्स हैं और जो 22 चैप्टर्स हैं उसमें आप देखेंगे कि बॉटनी और जूलॉजी दोनों मिला करके उसमें चैप्टर्स आपको मिलेंगे। तो बॉटनी और जूलॉजी दोनों को मिला करके जब आप चैप्टर देखते हैं तो उसमें पहला चैप्टर आता है द लिविंग वर्ल्ड। और स्टूडेंट, द लिविंग वर्ल्ड एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको पता है कि बेसिक क्लासिफिकेशन के कॉन्सेप्ट दिए गए हैं, चाहे वो जूलॉजी हो चाहे वो बॉटनी हो, उससे रिलेटेड। अब आप यहाँ पर जो याद रखेंगे इस चैप्टर में, एक तो आपको वर्गीकी पदानुक्रम जो टैक्सोनॉमिक हायरार्की है, और इस बार अगर आपने ध्यान दिया हो तो नीट के एग्जाम में भी उस पर क्वेश्चन था, भले ही वो क्वेश्चन जो बोनस चला गया था क्योंकि उसमें कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं था जो कि करेक्ट मैच हो रहा था। इसलिए इस टॉपिक में से अगर क्वेश्चन आएगा तो टैक्सोनॉमिक हायरार्की में आएगा और वर्गीकी की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, वर्गीकी की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है, उस पर क्वेश्चन बनेगा। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे कि हर्बेरियम के बारे में एनसीईआरटी में दिया हुआ है, या फिर आप कुछ देख सकते हैं कि उसमें और भी टॉपिक्स दिए गए हैं, कवर किया है, जिसमें आप वर्गीकी की परिभाषा और है उस पर आप फोकस कर सकते हैं। तो ये कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर नहीं लगता है और बेसिकली हम सभी को ये चैप्टर अच्छे से क्लियर रहता है, इसके कंसेप्ट हमारे क्लियर रहते हैं। तो एक बार जाने से पहले इसके 3-4 टॉपिक्स को देख लीजिएगा। नेक्स्ट जो चैप्टर आता है स्टूडेंट, वो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन अपने आप में एक बड़ा चैप्टर है और इसमें भी आप देखते हैं कि एक तो जगत संकल्पना जो किंगडम कॉन्सेप्ट है, इसमें 2 जगत संकल्पना, 3 जगत संकल्पना, 4 जगत संकल्पना और सबसे इम्पोर्टेंट 5 जगत संकल्पना। जो 5 जगत संकल्पना है वो आर एच विटेकर के द्वारा दी गई थी और जो 5 जगत उन्होंने बांटे थे, बनाए थे, और उन 5 जगत को बनाने का क्या बेसिस रहा था, 5 जो 5 किंगडम्स थे उनका क्या बेसिस रहा था, उस पर जरूर जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है। पिछले प्रीवियस ईयर आरपीवीटी के पेपर्स में भी हमने ये देखा था कि जो यहाँ पर जगत संकल्पना वाला जो कॉन्सेप्ट है वहाँ पर कई बार क्वेश्चन उस पर रिपीट हुआ है। प्लस आप यहाँ पर देखेंगे जगत मोनेरा दिया गया है। सबसे पहले कंसेप्ट खत्म होता है जब किंगडम सिस्टम कंप्लीट होता है, तो आप देखोगे कि जगत दिए गए हैं उसमें जगत मोनेरा आता है, तो मोनेरा आपको अच्छे से कवर करना है। मोनेरा के बाद में आप देखेंगे कि कवक दिया गया है, फंजाई दिया गया है, तो कवक और जो मोनेरा है उसको आप अच्छे से पढ़ करके जाएं। थोड़ा सा एनसीईआरटी से बाहर मानूंगा मैं, अगर इस पे क्वेश्चन बनेगा एग्जांपल्स की भी बात करूं तो थोड़ा सा एनसीईआरटी से बाहर बन सकता है, इसलिए आपको याद रखना है कि यहाँ पर आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है। आगे चलें तो आगे जो अगला चैप्टर है स्टूडेंट्स वो है प्लांट किंगडम। और प्लांट किंगडम जो है अपने आप में बड़ा ही इम्पोर्टेंट चैप्टर रहेगा क्लासिफिकेशन, क्योंकि अगर मैं एक चीज आपसे कहूँ तो अगर आरपीवीटी का कॉन्सेप्ट माने, जो पैटर्न रहता है पेपर में एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछने का, तो वो हमेशा से आरपीएमटी से रिलेटेड रहता है। जो पहले आरपीएमटी हुआ करती थी आज से 5-6 साल पहले, वैसा ही इसका कॉन्सेप्ट रहता है। और उसमें आप देखेंगे कि क्लासिफिकेशन पर काफी जोर दिया जाता है, चाहे वो प्लांट्स का क्लासिफिकेशन हो चाहे वो एनिमल्स का क्लासिफिकेशन हो। तो प्लांट किंगडम में इसमें सबसे पहले आप पढ़ेंगे एल्गी के बारे में पढ़ेंगे, तो एल्गी के जितने भी क्लासेस हैं आपको टिप्स पर होनी चाहिए और उनके एग्जांपल्स याद होने चाहिए। थोड़ा सा मैं इसको फिर से मानूंगा कि एनसीईआरटी से बाहर जाएगा पेपर में, इस पर अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो हो सकता है एनसीईआरटी से बाहर पूछा जाए। फिर उसमें आप देखोगे ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा के भी आपको अच्छे से याद रखना है, ब्रायोफाइटा में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ब्रायोफाइटा का आर्थिक महत्व क्या है, शवालों का आर्थिक महत्व, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, वो भी आपको याद रखना है। उसके बाद में आप देखेंगे टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म पर काफी क्वेश्चन बन सकते हैं, जिम्नोस्पर्म के लाइफ साइकिल पर क्वेश्चन बनने के चांसेस रहेंगे। तो ये चैप्टर अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है, मैं ये मानूंगा कि यहाँ पर 3 से 5 क्वेश्चन इस चैप्टर के आपको मिल सकते हैं पेपर में, तो इस पर जरूर
अगर मैं पहले तीन चैप्टर की बात करूँ द लिविंग वर्ल्ड, उसके बाद में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम, तो तीनों में मैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस जो रखूंगा वो प्लांट किंगडम की रखूंगा। नेक्स्ट चैप्टर आता है स्टूडेंट्स एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, और जैसा कि प्रीवियस पिछले साल के पेपर में भी आप देखेंगे, पिछले साल भी एनिमल किंगडम से काफी अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो एनिमल किंगडम में सबसे पहले बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, जो क्लासिफिकेशन का बेस है वो आपको अच्छे से पढ़ करके जाना है, जिससे ही आपका आधे से ज्यादा एनिमल किंगडम कवर हो जाएगा। फिर आप देखेंगे तो एनिमल किंगडम में प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ पर क्वेश्चन बनेंगे। आरपीएमटी लेवल पर देखा जाए तो प्रोटोजोआ पर वो क्वेश्चन जरूर जरूर देगा। जो एनसीईआरटी में प्रोटोजोआ नहीं दिया है, अच्छे से याद रखना, पॉलीफेरा से स्टार्ट किया उसने, इसलिए आपको पॉलीफेरा से पहले प्रोटोजोआ पढ़ करके जाना पड़ेगा, और वो भी थोड़ा सा डिटेल लेवल पर जाना पड़ेगा। फिर पॉलीफेरा, मैं यहाँ पर यही कहूंगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको जितने भी फाइलम्स हैं, जितने भी संघ हैं, उनके स्पेसिफिक कैरेक्टर्स याद होने चाहिए। जैसे कि स्पॉन्जेस की बात करें तो उसमें उनको स्पॉन्जेस क्यों कहते हैं, कैनाल सिस्टम प्रेजेंट होता है उनमें, या फिर आप देखेंगे कि उनमें पोर्स प्रेजेंट होते हैं, या फिर आप सिलेंट्रेटा की बात करोगे तो कोरल फॉर्मेशन उनका कैरेक्टर हो गया, या फिर उनमें आप देख सकते हो कि यह नेमेटोब्लास्ट सेल्स पाई जाती हैं। फिर आप टीनोफोरा में आते हो तो टीनोफोरा में बायोल्यूमिनेंस जिनको हम बोलते हैं, इनको हम सी वॉलनट के नाम से जानते हैं, कॉम जेली भी कहते हैं, बायोल्यूमिनेंस में प्रॉपर्टी मिलती है। फिर आप प्लेटी हेलमिंथिस और एसके हेलमिंथिस, इन दोनों फाइलम को तो भूलना ही नहीं है, क्योंकि आरपीएमटी का फेवरेट क्वेश्चन जरूर जरूर जो है, आरपीएमटी हो या आरपीबीटी हो, उसमें प्लेटी हेलमिंथिस एसके हेलमिंथिस पर वर्म्स पर वो जरूर जरूर क्वेश्चन देता है। देन एनेलिडा इतना कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं रखेगा, बट इनके मेंबर्स के साइंटिफिक नेम आपको सबको याद होने चाहिए, और खासकर एनसीईआरटी वाले याद करके चले जाइएगा। आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा फाइलम एनिमल किंगडम का, तो उस पर चांसेस भी है कि क्वेश्चन बने ही बने। आर्थ्रोपोडा के बाद में जो है मोलस्का, मोलस्का के बाद में इकाइनोडर्मेटा। इस बार इकाइनोडर्मेटा में क्वेश्चन था कि ट्यूब फीट जो है वो किसमें हेल्प करते हैं, तो इस बार जो है डिटेल में क्वेश्चन पूछे गए थे एनिमल किंगडम के, मैं 2021 के पेपर की बात कर रहा हूँ। इकाइनोडर्मेटा के बाद में आप देखेंगे हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा, तो यहाँ पर कॉर्डेटा पर इसका कम फोकस रहेगा, ज्यादा जो क्वेश्चन बनेंगे तो नॉन कॉर्डेटा में से बनेंगे, इसलिए आप नॉन कॉर्डेटा को अच्छे से पढ़ के जाइएगा। एनिमल किंगडम के 3 से 5 क्वेश्चन फिक्स मांगिए, जरूर जरूर बनेंगे पेपर में। देन मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में आपके जो क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं वो आपको ये पढ़ने, रूट स्टेम और लीफ, और उनके जो मॉडिफिकेशन हैं वो जरूर पढ़ के जाइएगा, रूट स्टेम लीफ और उनके मॉडिफिकेशन। फैमिलीज जो है इसमें आएंगी, तो फैमिलीज में आपको कवर करना पड़ेगा, जिसमें आप देखोगे कि जो एनसीईआरटी की 3 फैमिलीज हैं उसके अलावा भी आपको कुछ फैमिलीज पढ़नी पड़ेंगी जो आपको टीचर पढ़ाते हैं आपके इंस्टीट्यूट में, तो थोड़ा सा इस पर भी फोकस कर लीजिएगा। बट मैं मानता हूँ मॉर्फोलॉजी के 2 से 3 क्वेश्चन, इससे ज़्यादा आपको क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। देन एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में भी रूट स्टेम लीफ और उसमें जो जाइलम और फ्लोएम का जो अरेंजमेंट होता है, ज़्यादा से ज़्यादा उस पर क्वेश्चन पूछेगा, और या फिर वो क्वेश्चन पूछेगा आपसे सेकेंडरी ग्रोथ में से, सेकेंडरी ग्रोथ में से आरपीएमटी के पैक क्वेश्चन रहा करते थे, तो आप सेकेंडरी ग्रोथ में आरपीवीटी में भी आपको क्वेश्चन जरूर जरूर देखने को मिलेंगे, इसलिए एक बार प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन दिए गए हैं एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से रिलेटेड वो आप जरूर देख करके जाइएगा। देन स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, देखिए एनसीईआरटी में जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स है वो एक बहुत ही बड़ा चैप्टर है, इसमें आप देखेंगे टिश्यू वाला चैप्टर भी वो कवर करता है। देन वो 3 ऑर्गेनिज्म पढ़ाता है आपको, अर्थवर्म, कॉकरोच और फ्रॉग, तो टिश्यू वाला चैप्टर अपने आप में इंपॉर्टेंट है क्योंकि ह्यूमन फिजियोलॉजी से भी रिलेटेड है, इसमें एपिथेलियल टिश्यू, कहाँ कहाँ पर कौन सी एपिथेलियम मिलती है, कनेक्टिव टिश्यू जिसमें ब्लड आ जाएगा, इसमें आपके बोन्स और कार्टिलेज आ जाएंगी, और कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर आ जाएगा उसकी स्टडी करके जाना पड़ेगा। तो खासकर जो जो मेन मेन पॉइंट्स रहने वाले हैं कनेक्टिव टिश्यू के, मैं मानता हूँ उसमें आपसे जो क्वेश्चन बनेगा, अगर टिश्यू वाले सेक्शन की बात करूँ तो कनेक्टिव टिश्यू में से ज्यादा क्वेश्चन बन सकते हैं, मास्ट सेल क्या होती हैं, या फिर ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स क्या हैं, ऑस्टियोसाइट्स क्या होती हैं, या फिर आप देखोगे फाइब्रोब्लास्ट सेल्स क्या होती हैं, इन सभी चीज़ों पर फोकस किया जा सकता है। अगर मैं 3 ऑर्गेनिज्म्स की बात करूं तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले 2 ऑर्गेनिज्म जो है अर्थवर्म और कॉकरोच आपका। कॉकरोच पर नीट पे भी क्वेश्चन आया था इस बार, और आरपीएमटी में भी जरूर जरूर पूछा जा सकता है, आरपीवीटी में भी पूछा जा सकता है। ऐसे ही अर्थवर्म, अर्थवर्म के सेगमेंट्स आपको याद होने चाहिए,
कई स्टूडेंट अर्थवर्म में कंफ्यूज रहते हैं, तो आपको इतना करना है कि जो सेगमेंट्स है अर्थवर्म के और उस सेगमेंट में पर्टिकुलर कौन सा ऑर्गन प्रेजेंट है उसका, वो याद करके जाइए। बट मैं कहूंगा कॉकरोच आपको डिटेल में याद होना चाहिए, फ्रॉग पर इतना कुछ खास इस पर क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो अगर इस चैप्टर की बात करूँ तो ओवरऑल 3 से 5 क्वेश्चन इसके भी बन सकते हैं। नेक्स्ट, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, लिख करके लिख लो, 5 से 8 क्वेश्चन इस चैप्टर के पूछे जाएंगे, चाहे वो सेलुलर लेवल पर पूछे, चाहे वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लेवल पर पूछे, इसके जरूर जरूर क्वेश्चन बनेंगे, चाहे इसकी थ्योरी जो है उस पर बनेगा, सेल थ्योरी किसने दी थी। उसके अलावा आप देखोगे कि और भी जो डिटेल में जो आपसे पूछा जा सकता है, और जैसे कि पर्टिकुलर ऑर्गेनल्स पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, प्लास्टिड हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इन सभी को डिटेल में जरूर करके जाइएगा। और इस बार आपने देखा हो तो क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर पर नीट ने क्वेश्चन पूछा था, तो एक बार इसको भी आप देख लीजिएगा। एनसीईआरटी बेस भी करेंगे इस चैप्टर को आप, तो आप कवर कर सकते हो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। और पर्टिकुलर हम देखें हर स्टूडेंट सेल वाला चैप्टर इजीली पढ़ करके जाता है, उसको समझ में आया हुआ रहता है। बायोमोलिक्यूल, तो बायोमोलिक्यूल में आपको जो अमाइनो एसिड्स हैं, कौन से असेंशियल हैं, कौन से नॉन असेंशियल हैं, कौन से एसिडिक हैं, कौन से बेसिक हैं, और या फिर आप देखोगे कौन से एरोमेटिक होते हैं, इस टाइप से आप याद करके जाइए। प्रोटीन की स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत आप देख लीजिएगा, जिसमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर प्रोटीन की। उसके अलावा आप कार्बोहाइड्रेट पर जरूर अच्छे से फोकस करेगा, तो इस कार्बोहाइड्रेट को चाहे आप होमोपॉलीसेकेराइड पे जाते हैं, चाहे आप हेटेरोपॉलीसेकेराइड पे जाते हैं, उस पर जरूर डिटेल में क्वेश्चन बन सकता है। प्लांट्स में स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट कौन सा होगा, एनिमल्स में क्या होगा, काइटिन किसका पॉलीमर है, इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। या फिर सेलुलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन, ये जो है बेनेडिक्ट सॉल्यूशन के साथ कैसा टेस्ट देते हैं, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, या फिर ये ब्रांच होते हैं, अनब्रांच होते हैं, इनके मोनोमर्स कौन से होते हैं, इस पर कई बार क्वेश्चन बनता है। तो एनसीईआरटी से थोड़ा सा एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा इस चैप्टर की बात करें तो। देन बायोमोलिक्यूल में आपको अगर पता हो तो एक सेक्शन और दिया है एंजाइम वाला, एंजाइम वाला आपको पढ़ना पड़ेगा डिटेल में, कि एंजाइम का जो जिसको हम संदमन बोलते हैं, इनिबिशन ऑफ एंजाइम, वो आपको डिटेल में देखना पड़ेगा। और उसी से जो है आप देखेंगे कि कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है प्रतिस्पर्धात्मक कॉम्पिटेटिव इनिबिशन या फिर अप्रतिस्पर्धात्मक नॉन कॉम्पिटेटिव इनिबिशन और उसके एग्जाम्पल पर। तो ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 2 से 3 क्वेश्चन में मानूंगा इस चैप्टर के बने। सेल साइकिल और सेल डिवीजन आपको एनसीईआरटी बेस भी पढ़ करके जाना है, ज्यादा डिटेल में पूछेगा नहीं, ज्यादा ज्यादा आपको मियोसिस पूछेगा, अर्धसूत्री विभाजन और मियोसिस की स्टेजेस। मियोसिस फर्स्ट अपने आप में इंपॉर्टेंट होता है, मियोसिस फर्स्ट में प्रोफेज फर्स्ट अच्छे से पढ़ करके जाइएगा, जिसकी 5 प्रावस्थाएं, 5 फेजेस होती हैं, उनको आप कवर कर लीजिएगा। देन प्लांट फिजियोलॉजी स्टार्ट होती है 11th चैप्टर से। प्लांट फिजियोलॉजी में आप देखोगे ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जिसमें आप देखोगे कि जिसमें वाटर पोटेंशियल पर क्वेश्चन आएगा, ऑस्मोसिस क्या होता है, डिफ्यूजन क्या होता है, एपोप्लास्ट, सिम्प्लास्ट क्या होता है, तो इस पर डिटेल में क्वेश्चन बन सकता है। तो जो जो मेन पॉइंट मैंने बताए वाटर पोटेंशियल पर, या फिर एपोप्लास्ट सिम्प्लास्ट क्या है, डिफ्यूजन क्या है, ऑस्मोसिस क्या है, इन सभी चीजों को अच्छे से कर लेना। मिनरल न्यूट्रिशन में आपको पर्टिकुलर मिनरल का रोल पता होना चाहिए हमारे प्लांट के लिए, प्लस एनिमल बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में भी आपको मिनरल्स का रोल पता होना चाहिए। मिनरल न्यूट्रिशन अपने आप में इंपॉर्टेंट रखेगा, बट मैं इसका मानता हूँ मिक्स क्वेश्चन आएगा। आप कह नहीं सकते कि जूलॉजी से रिलेटेड है या फिर बॉटनी से रिलेटेड है, या तो वो किसी आयन का फंक्शन पूछेगा, मैग्नीशियम का पूछ सकता है आपसे, कैल्शियम का पूछ सकता है, या फिर आप बोरोन का देख सकते हो। पर्टिकुलर प्लांट्स में जाओगे तो उनके अलग हो जाएंगे। प्लस आप इसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन साइकिल के बारे में पढ़ोगे, उसको भी एक बार डिटेल में देख लेना, नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे किया जाता है, और उसमें आप देखोगे सिम्बायोटिक बैक्टीरिया कौन से होते हैं, वो आप सभी याद करके जाएं, उस पर जरूर क्वेश्चन बनेगा। देन फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट, फोटोसिंथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, बट मैं कहूंगा कि नीट लेवल पर इससे अच्छा और कंसेप्ट वाइज कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन बनता है। आरपीवीटी इतना कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछेगा, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा, या तो वो C3, C4 प्लांट्स में डिफरेंस पूछेगा, इसलिए जो टेबल आपको पता है एनसीईआरटी में दी गई है लास्ट में, तो C3, C4 प्लांट्स में डिफरेंस अच्छे से पढ़ लीजिएगा। प्लस आप उसमें क्रेंज एनाटॉमी के बारे में पढ़ना, जो कि C4 प्लांट्स में मिलती है। इसके अलावा आप पढ़ेंगे जेड स्कीम या फिर जो लाइट रिएक्शन होती है, वो आप जरूर एक बार पढ़ लेना। और जो इनिशियल एक्सपेरिमेंट है, हमेशा ये देखा गया है आरपीवीटी का जो कॉन्सेप्ट रहता है
वो इनिशियल एक्सपेरिमेंट या फिर किसी साइंटिस्ट के नेम पर बहुत क्वेश्चन पूछता है, तो साइंटिस्ट के नेम आपको जरूर पता होना चाहिए, एनसीईआरटी वाले तो हो, साथ साथ में अदर देन एनसीईआरटी जो कि इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। फिर रेस्पिरेशन इम्प्लांट, तो रेस्पिरेशन में आपको बस नेट गेन ऑफ एटीपी पता होना चाहिए, ग्लाइकोलाइसिस में कितना, क्रेब्स साइकिल में कितना, क्रेब्स साइकिल के अदर नेम क्या हो सकते हैं, टीसीए साइकिल जिसको हम बोल देते हैं, या फिर आप ईटीएस पढ़ लोगे तो इन सभी चीजों में आप देखोगे कि एटीपी का क्या रोल है, एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन किसे कहते हैं, या फिर फर्मेंटेशन आपको पढ़ना पड़ेगा, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, और इन सभी पर क्वेश्चन बनने के चांसेस रहेंगे। देन प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इसमें सिर्फ एक ही चीज करना है आपको, हॉर्मोन्स पढ़ करके जाने, प्लांट ग्रोथ हॉर्मोन्स कौन कौन से होते हैं उनको आप पढ़ करके जाइए, एसिटिक एसिड कौन सा होता है, इथाइलिन गैस का क्या रोल है, जिब्रेलिन का क्या रोल होता है, ऑक्सिन का क्या रोल होता है, तो प्लांट ग्रोथ में हॉर्मोन्स आप पढ़ें तो उसी पर ही क्वेश्चन बनेगा। फिर आती है ह्यूमन फिजियोलॉजी, और मेरा मानना है स्टूडेंट इस पर आरपीवीटी वाला जो है ज्यादा फोकस नहीं करता है, बट फिर भी हमें ह्यूमन फिजियोलॉजी नीट बेसिस पर या किसी स्टैंडर्ड एग्जाम की बात करूँ तो उसमें फिजियोलॉजी पर बहुत सारे बम्पर क्वेश्चन बनते हैं, बट अब तक आरपीवीटी ने या तो उसको इतना एक्सप्लोर ही नहीं किया है कि वो कुछ कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन दे, वो एक एक लाइन के क्वेश्चन देगा या फिर सिंगल ऑप्शन वाले को ऑप्शन जो है सीधा टिक लगाने वाला आंसर आपको मिल जाएगा उसमें, बट फिर भी अगर हम इसमें इम्पोर्टेंस देखें कौन कौन से आप देखोगे टॉपिक हो सकते हैं, तो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में आप देखेंगे तो एलिमेंट्री कैनाल की स्ट्रक्चर पर जरूर जाएगा, कौन सा पार्ट कहाँ मिलता है, कैसा होता है, किसका स्मॉल इंटेस्टाइन का कौन सा पार्ट है, लार्ज का कौन सा पार्ट है, इनके फंक्शन इसको जरूर देखिएगा। प्लस इसमें आपको अगर देखना है तो डिजीज देख करके जाइए, क्वाशियोरकर क्या होता है, मैरास्मस क्या होता है उसको एक बार देख लिया, या फिर आप देखेंगे उसमें कि एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस, डाइजेशन का प्रोसेस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस, उस पर क्वेश्चन बन सकता है। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, इसमें आपको एनिमल किंगडम से रिलेटेड पढ़ना है कि कौन सा एनिमल में कौन सा जो रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर है वो कौन सी हो सकती है। इसके अलावा आप देखोगे ब्रीदिंग की मैकेनिज्म, उस पर मुझे नहीं लगता कि ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा, ऑक्सीहीमोग्लोबिन पर या फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस पर क्वेश्चन बनेगा, यहाँ पर जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस पर, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस पर चाहे CO2 हो चाहे O2 हो, कितने परसेंटेज ट्रांसपोर्ट CO2 का किया जाता है, कैसे किया जाता है, बोहर इफेक्ट क्या होता है, ये सभी आपको जो है क्लोराइड शिफ्ट के बारे में ये सभी पढ़ करके एक बार जाना होगा। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसमें खासकर जो क्वेश्चन बनेगा वो ब्लड में से बनेगा, ब्लड ब्लड की यहाँ पर जो जेनेटिक्स है उसकी भी बात करूंगा मैं, ब्लड की जेनेटिक्स पर क्वेश्चन बनेगा कि जो हमारा जो ब्लड ग्रुप्स का जो हम डिसाइड करते हैं वो कैसे डिपेंड करता है वो जरूर पढ़ लेना, ब्लड के कॉम्पोनेंट, ब्लड सेल्स उनके टाइप्स और उनके फंक्शन पढ़ के जरूर जाइएगा। हार्ट में आप देखोगे तो वही बात आती है कि सिंगल सर्कुलेशन किसमें होता है, डबल सर्कुलेशन किसमें होता है, या फिर हार्ट का इवोल्यूशन आप पढ़ते हो, डबल टू चैम्बर्ड हार्ट, थ्री चैम्बर्ड हार्ट, फोर चैम्बर्ड हार्ट, कौन कौन से एनिमल्स में आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा आप आगे जाओगे तो इसी चैप्टर में आप देखोगे कि हार्ट की जो कॉन्ट्रैक्शन की मैकेनिज्म है उस पर शायद इतना डिटेल में क्वेश्चन वो ना दे, और साथ में हार्ट की रेगुलेशन पर ना दे, धमनी और शिरा में जिसको हम आर्टरी और वेन्स बोलते हैं उसमें डिफरेंस जरूर पूछा जा सकता है, उसको जरूर कवर कर लेना। देन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन, मैं फिर से यही कहूंगा कि इस चैप्टर में अगर क्वेश्चन बनेगा या तो उत्सर्जी उत्पादों में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स में बनेगा कि कौन से एनिमल में कैसा होता है, इस पर तो सिक्स क्वेश्चन है, ये लिख करके दे रहा हूँ मैं आपको कि इस पर सिक्स क्वेश्चन बनेगा कि रेप्टाइल्स में क्या हो सकता है, इंसेक्ट में क्या हो सकता है, बर्ड्स में क्या हो सकता है, जैसे यूरिक एसिड हो गया उनका, या फिर अमोनिया टॉक्सिक ज्यादा होता है, यूरिक एसिड कम सबसे कम टॉक्सिक होता है, या फिर यूरिया का फॉर्मेशन कहाँ होता है, हमारी बॉडी में यूरिया कहाँ बनता है, और हमारी बॉडी में यूरिया बनने का साइकिल जो है उसका क्या नाम है, या फिर यूरिन फॉर्मेशन की मैकेनिज्म पर आप जा सकते हैं जिसमें अल्ट्राफिल्ट्रेशन, या फिर आप जैसे कि देख सकते हैं अल्ट्राफिल्ट्रेशन के साथ साथ में रीअब्सॉर्प्शन और सिक्रीशन, इन पर क्वेश्चन बनने के चांसेस रहेंगे। इसके अलावा आप इस चैप्टर में और जाएं तो उसमें आपको यही देखना है कि अलग अलग एनिमल्स में कौन से एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स हो सकती हैं, मुझे नहीं लगता है हार्मोन बेस इस पर डिटेल में क्वेश्चन देगा, एडीएच या एल्डोस्टेरोन पर ज्यादा वो डिटेल में क्वेश्चन नहीं पूछेगा। नेक्स्ट आता है लोकोमोशन एंड मूवमेंट, लोकोमोशन एंड मूवमेंट में मसल के टाइप्स, तीनों मसल्स के टाइप्स आप पढ़ करके जाएंगे जिसमें स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स पर डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कौन सी मसल कहाँ पर मिलेगी।
इसके अलावा आप क्या देख सकते हैं इसमें, तो आप इसमें देख सकते हैं कि जो मसल की स्ट्रक्चर है, स्केलेटल मसल की स्ट्रक्चर, ए बैंड क्या होता है, आई बैंड क्या होता है, मसल फाइबर क्या है, सार्कोमियर क्या है, सार्कोलेमा क्या होती है, सार्कोसोम क्या होता है, तो एक एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर पर क्वेश्चन कई बार पूछे हुए इसने। प्लस आप मसल कॉन्ट्रेक्शन के मैकेनिज्म पर जाएंगे तो ज्यादा डिटेल में नहीं है, फिर भी आप उसमें देखें तो एक्टिन और मायोसिन की स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं, या फिर जो सार्कोमियर की जो पूरी स्ट्रक्चर है, ए बैंड आई बैंड, और या फिर आप उसमें देख सकते हो जेड लाइन क्या होती है, एम लाइन क्या होती है, एच जोन किसे कहते हैं, थोड़ा बहुत आप उसकी नॉलेज रखते हैं तो बेटर रहेगा। इसके अलावा इसमें स्केलेटल सिस्टम पर जो क्वेश्चन आएगा वो मैं मानता हूँ जॉइंट्स पर क्वेश्चन पूछेगा, कौन सा जॉइंट कहाँ पर होता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का एग्जाम्पल पता होना चाहिए आपको, हिंज जॉइंट का एग्जाम्पल पता होना चाहिए, पाइवट जॉइंट का एग्जाम्पल पता होना चाहिए, फाइब्रस जॉइंट कैसे होते हैं हमारी बॉडी में, कहाँ होते हैं ये, प्लस हमारे स्केलेटन में टोटल नंबर ऑफ बोन्स और कौन सी बोन कहाँ पर मिलती है, बस इतना ही याद कर लेंगे तो भी मैं मानता हूँ इनफ रहेगा। दो क्वेश्चन मुश्किल से एक या दो क्वेश्चन इस चैप्टर से स्केलेटन से पूछेगा। देन सेकेंड लास्ट चैप्टर 11th एनसीईआरटी का बायोलॉजी में आपको मिलेगा न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वही बात के किसमें कौन सा नर्वस सिस्टम मिलता है, डेवलप्ड नर्वस सिस्टम कौन सा है, किसमें है, सबसे पहले नर्वस सिस्टम का ओरिजिन कौन से फाइलम में हुआ था जैसे कि सीलेंट्रेटा में हम देखते हैं, लेटर शेप नर्वस सिस्टम कैसे किसमें होता है जैसे कि हम प्लैटी एलिमेंसिस देखते हैं, तो इस टाइप से कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा के नर्वस सिस्टम में क्या डिफरेंस होता है ये आपको कई बार पूछा गया है उसमें, तो ये याद करके जाइएगा। प्लस उसमें ब्रेन के फंक्शन जो है वो आप जरूर देखिए उसमें कि कौन सा फंक्शन जो है क्या करता है, ब्रेन का कौन सा पार्ट, जैसे कि हाइपोथैलेमस जो है, हाइपोथैलेमस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है, वो सभी आप याद करके जाइए ब्रेन के फंक्शन। देन इसमें आपको अगर देखोगे तो रिफ्लेक्स एक्शन पर ज्यादा मुझे नहीं लगता क्वेश्चन पूछेगा, वो आई और ईयर ज्यादा इंपॉर्टेंस रखेगा। आई और ईयर में आप देखोगे तो आई की स्ट्रक्चर और ईयर की स्ट्रक्चर में ज्यादा जो इम्पोर्टेंट ऑर्गन है वो आई है, तो आई को जरूर अच्छे से कवर करके जाइएगा। लास्ट में जो चैप्टर आता है स्टूडेंट वो है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। जो केमिकल कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन वाला चैप्टर है उसमें आप देखोगे हॉर्मोन्स की बातें हैं सारी, तो हॉर्मोन्स आप पिट्यूटरी ग्लैंड के हॉर्मोन जरूर अच्छे से पढ़ करके जाइए, पिट्यूटरी ग्लैंड के हॉर्मोन्स हो गए, प्लस आप थायराइड ग्लैंड जरूर पढ़ करके जाइएगा, और साथ साथ में आप पैनक्रियाज को जरूर कवर करिए, इंसुलिन ग्लूकागॉन को, तो ये ज्यादा से ज्यादा पूछेगा तो पिट्यूटरी ग्लैंड के, थायराइड ग्लैंड के, पैनक्रियाज के, और ज्यादा से ज्यादा एड्रिनल ग्लैंड के हार्मोन याद करिए, चार ग्लैंड को अच्छे से पढ़ के जाइए, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैनक्रियाज और एड्रिनल ग्लैंड, इसके ही मुझे लगता है कि वो क्वेश्चंस आपसे करेगा और यही जो है इम्पोर्टेंस रखने वाला है। तो स्टूडेंट मैंने यहाँ पर आपको टोटल 11th एनसीईआरटी के बायोलॉजी के 22 के 22 चैप्टर जो है यहाँ पर डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम 12th एनसीईआरटी के देखेंगे जो 16 चैप्टर्स हैं उसमें क्या क्या पॉइंट इम्पोर्टेंट रहेंगे, उसमें क्या क्या टॉपिक्स इम्पोर्टेंट रहेंगे, उन्हीं को हम लास्ट के जो 15 से 20 दिन हमारे पास बचे हैं उनको कवर करेंगे। अब हमारी वीडियोस जो है आरपीपीटी से रिलेटेड हम रेगुलर बनाएंगे जिसमें आपको हम गाइड करेंगे कि हम ज्यादा से ज्यादा नंबर मार्क्स कैसे गेन कर सकते हैं और एक अच्छी रैंक को कैसे सिक्योर कर सकते हैं आरपीपीटी में। तो इसी के साथ में मैं आपसे विदा लेता हूं और ये चाहूंगा कि आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे मैं आपकी ज्यादा से ज्यादा मदद कर सकूँ। थैंक यू वेरी मच।